नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुगजी ने कहा कि पंजाब में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरुण चुग ने कहा कि पंजाब के माझा, मालवा, दुआबा और कंडी क्षेत्र में फैले 23,000 बूथों पर एक बूथ 10 यूथ, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाने से लेकर सभी जिलों का संगठन जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने की कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पंजाब अपने विस्तार में कार्यकर्ता कैडर पूरी तरह स्ट्रांग कर रही है और 117 विधानसभा कार्यकर्ता एक एक बूथ 23,000 बूथा के अंदर पन्ना प्रमुख तो लैके बूथ इंचार्ज और पार्टी के संगठन मजबूत किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र वालों भी चाहे वह नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सब का आशीर्वाद पंजाब की जनता नाल, पंजाब के लोगों नाल, पंजाब के वंचित गरीब किसान मध्यवर्गीय व्यापारी इंडस्ट्री सब नो पूरा मिल रहा। 19 तरीक नो पंजाब के 10 जिलों के अंदर वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कार्यालय के उद्घाटन कर रहे। अश्विनी शर्मा जी की अध्यक्षता के अंदर पार्टी चौहमुखी विकास पंजाब च कर रही है और यह जो कार्यक्रम ने इन्हों की लड़ी लगातार जारी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सैकटरी दुष्यंत गौतम जी पंजाब च लगाया गया ताकि पंजाब के अंदर पार्टी होर मजबूत किया जा सके। और श्री नरेंद्र मोदी जी जड़ी 160 योजनावां जनता वास्ते, गरीबां वास्ते, वंचितां वास्ते, किसानां वास्ते वो स्कीमां, एक छोटे व्यापारी नूं इंश्योरेंस का लाभ, एक किसान नूं इंश्योरेंस का लाभ और एक खेत की चिंता, एक गरीब नूं, हर गरीब नूं पक्का मकान देने की प्लैनिंग, हर गरीब नूं रसोई गैस देने की प्लैनिंग, ये सारे दे उत्ते असीं काम करांगे और गली गली, बाजार बाजार, पिंड पिंड जाके भारतीय जनता पार्टी की सोच सबका साथ सबका विकास उन्हें लेके जावांगे। और यह मैं समझना कार्यालय का उद्घाटन उस कड़ी च बहुत बड़ा प्लान।